प्रौद्योगिकी मंत्री सुरेश राणा ने बीजेपी सरकार का किया बखान, कहा गन्ना किसानों को आजादी के बाद पहली बार किया 25,000 करोड़ का भुगतान। लखनऊ में मदरसे में महापाक काजी करता था लड़कियों का यौन शोषण, बंधक बनाकर रखी गई 51 लड़कियों को पुलिस ने छुड़ाया। एक्सप्रेसवे पर फिर से कोहरे ने ढाया कहर, ट्रक से भिड़ी बस, एक के बाद एक लगी गाड़ियों की लंबी कतारें। आगरा में आईडी कार्ड न होने पर दिव्यांग को ताजमहल के अंदर जाने से रोका गया, अमर उजाला के दखल के बाद दिव्यांग को मिली एंट्री। ड्रग्स के मकर जाल में फंसे दिल्ली के चार बड़े शिक्षण संस्थान, जेएनयू, डीयू और एमिटी के चार छात्र ड्रग्स के साथ हुए गिरफ्तार, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की कार्रवाई। गुजरात में विभागों के बंटवारे से नाराज डिप्टी सीएम नितिन पटेल ने नहीं संभाला विभागों का कामकाज, हार्दिक पटेल बोले काका बीजेपी छोड़े तो मैं उनके साथ। राज्यसभा के लिए आम आदमी की तरफ से संजय सिंह का नाम फाइनल, दो नामों पर मंथन जारी, आपने कुमार पर जताया अविश्वास। पहलवान प्रवीण राणा के साथ मारपीट मामले में सुशील कुमार पर मामला दर्ज, एफआईआर पर बोले सुशील कुमार इस तरह की चीजें खेल में नहीं होनी चाहिए। और पद्मावती को सेंसर बोर्ड से मिली मंजूरी, नए नाम और कई बदलावों के साथ हो सकती है रिलीज, करणी सेना ने फिर दी हिंसा की धमकी।